हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्स मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ओलंपिक्स, इनके बारे में बातचीत करते हुए आखिर मिक्स मार्शल आर्ट का टॉपिक कहाँ से आ गया। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रविश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रविश विश वन के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काफी समय से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी ड्यू टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और आपने देखा है कि बांग्लादेश की टीम भी जब वहां पहुंची, तो उससे पहले बांग्लादेश का एक सिक्योरिटी दस्ता वहां पे पहुंचा था, जिसने पूरी वहां पे सिक्योरिटी की जांच की थी। इंग्लैंड के बारे में भी यही है, इंग्लैंड का भी वहां पे एक सिक्योरिटी दस्ता जो है वो पहुंचा हुआ है, और वो सिक्योरिटी की पूरी जांच करा, उसके बाद ही इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है वो वहां पे टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। तो अभी तक तो डिस्कशन दोस्तों यही चला कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस क्वेश्चन मार्क से, जैसा कि हम कह चुके हैं, कि सारा कुछ डिपेंड करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या रुख रहता है। खैर दोस्तों, बीसीसीआई ने तो थोड़े दिनों पहले ही कह दिया था कि इसमें भी कोई स्टैंड उनका नहीं है, और जय शाह जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब ब्रिज आएगा तो उसको पार करने की सोचेंगे। लेकिन इस बीच जो हमारी मिक्स मार्शल आर्ट की टीम है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और वहां पर वो इवेंट में पार्टिसिपेट करेगी। अब जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाकर और बहुत ज़्यादा एग्जिगरेट करके बता रहे हैं कि भाई इंडिया की जो टीम है वो तो पाकिस्तान आई हुई है, फिर क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती है। तो ये सवाल तो देखिए पहले भी उठे हैं, जब लेडीज़ की कप की टीम भी वहाँ पर गई है, अब मिक्स मार्शल आर्ट की टीम वहाँ पर चली गई है। और देखिए, हमारा तो सिंपल तौर पर यही मानना है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू क्रिकेट टीम के साथ नहीं, बल्कि कोई भी स्पोर्टिंग जो हमारी टीम है, जो स्पोर्ट्स की टीम है, उसके साथ वहाँ पे इशू है। तो इसलिए तो भारत सरकार को शायद फैसला लेना चाहिए था कि मिक्स मार्शल आर्ट की टीम भी अगर वहाँ गई है तो क्या प्रॉपर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, क्या वहाँ पे सारी चीज़ें देखी गई हैं, क्या एक सिक्योरिटी टीम पहले गई थी जिसने सारी चीज़ों का मुआयना किया पाकिस्तान में, क्या ऐसे रीज़न रहे जिसकी वजह से वहाँ पे टीम को भेजा गया। मेरा तो ये मानना है कि अगर सेफ्टी का कंसर्न है, अगर सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो शायद मिक्स मार्शल आर्ट की टीम को भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। खैर दोस्तों, एक बड़ा सवाल क्रिकेट के लिए इसलिए उठता है क्योंकि क्रिकेट का जब मैच होता है तो दोनों जो फैंस होते हैं, दोनों देशों के जो फैंस होते हैं, जुनूनी हो जाते हैं, मतलब क्रेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट को लेकर ही ज़्यादा मारकाट भी मचती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फैंस आपस में भिड़ भी जाते हैं, और ऐसा एक नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तो वहाँ पर फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी नज़र आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से क्रिकेट मैच को लेकर इंडिया ने एक जो है कदम उठाया हुआ है कि हम न्यूट्रल वेन्यू में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेज सकते हैं। क्योंकि जो क्रेजीनेस, जो जुनून क्रिकेट के लिए नज़र आता है, वो बाकी स्पोर्ट्स में नज़र नहीं आता है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टीमें जा रही हैं या भारत के बाकी नागरिक जा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल वहाँ पर भी सेम रुख होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि ये क्या डिसीजन इसके बारे में लिया गया, बट एज फार एज क्रिकेट टीम इज कंसर्न, एज फार एज चैंपियंस ट्रॉफी इज कंसर्न, मेरा तो ये मानना है कि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं है कि हम अपनी टीम को भेजें। बाकी दोस्तों, आप क्या कहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पर जाकर कॉमेंट जरूर करें।